नमस्कार, मैं हूं प्रभु चावला और सच्ची बात में आज बारी है दिल्ली भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष सतीश उपाध्याय की। आपका स्टूडियो महोत्सव जी नमस्कार। चुनाव की तैयारी? बिल्कुल पूरी तरह से। चुनाव रात लड़ाई उत्तर मैदान में उतरने से पहले ही पलट गए, ओंधे मुंह गिरे। हम क्यों ओंधे मुंह गिरे? जो खड़ी की थी आपने शादी, उसी को आपको विड्रॉ करना पड़ा? नहीं, देखिए एक बात समझनी चाहिए कि जो लोग दूर दराज, आपने उनकी मीटिंग कैंसिल की ना? आप देखिए, नहीं कोई मीटिंग कैंसिल नहीं की। गोल मार्केट में जो करने वाली थी? नहीं, मैं आपको बताता हूँ कि साध्वी जो है एक गाँव से आती है, एक दलित बैकग्राउंड से आती है, पिछड़े वर्ग से आती है, और कभी शब्दों का हेरफेर अगर हो जाए और माफी मांग लें उसके बाद इस इशू को हम कितना लंबा चलाना चाहते हैं? माफी तब मांगी जब हल्ला बहुत हो गया। ठीक है ना, माफी मांग ली, गलती हो गई, माफी मांग ली। पर क्या समाज? नहीं, व्यक्ति से गलती होना कोई गुनाह नहीं है, गलती कोई भी कर सकता है। मानसिक स्थिति की बात हो रही है कि उसकी, आपने कहा गांव से आए दलित महिला है, ये है, वो ठीक मान लेते हैं, परंतु जब वो दिखाई बोल रही थी उस वक्त पीछे खड़े हुए जो आपके कार्यकर्ता थे उसमें सरदार जी भी थे, वो बहुत जोर जोर से तालियां बजा रहे थे, आनंद आ रहा था। मैंने कहा ना कि एक गलती किसी से हुई उनसे नहीं, बाकी आपके कार्यकर्ता जो स्टेज पे थे वो भी तालियां बजा रहे थे। माफी मांग ली और पार्लियामेंट में इशू हो गया, प्रधानमंत्री ने कह दिया। मुझे लगता नहीं कि इस इशू को बार बार और इतना लंबा चलाने की आवश्यकता। और समाज जीवन में हर व्यक्ति से कहीं ना कहीं कोई ना कोई गलती होती है, कोई ऐसा नहीं है जिससे गलती नहीं हुई हो। उनसे भी उन्होंने मांग ली, विरोधी दल जो है आपके ऊपर, तो उनको तो मुद्दा उठाना है ना, कुछ ना कुछ उनको एक मुद्दा मिल गया ना, उठाना ठीक है। तो उनको मुद्दा आपके हाथों, आप लोगों ने दे दिया उनका। मैंने कहा ना कि ये, मैंने क्या कहा, जो विरोधी दल के नेता है एक एक का नाम निकाल लीजिए, क्या गलतियां उन्होंने नहीं की, उनके बारे में मीडिया से नहीं आया? उनसे इस्तीफा मांगा ना उस वक्त जब आप विरोधी दल में थे? नहीं तो उनका काम, उन्होंने थे, उन्होंने जो कहा कि माफी मांगे, उन्होंने माफी मांग ली। अब तो इस्तीफा मांग रहे ना? नहीं, अब वो कुछ भी मांगे इससे क्या है, वो तो कुछ भी मांग सकते हैं, मांगने का सवाल नहीं है। सवाल ये है कि हम जीवन में क्या चाहते हैं। आपसे किसी से गलती हुई, आप कहते हैं कि साहब उसको रियलाइज करना चाहिए, उसको ये रियलाइजेशन होना चाहिए कि गलती हुई है, गलती की माफी मांग ली। तो अब आपको लगता है कि आप उनको दोबारा इलेक्शन कैंप में नहीं बुलाएंगे? गलती की दोबारा नहीं करेंगे? क्यों नहीं बुलाएंगे? आएंगे दोबारा साथ में? बिल्कुल आएंगे, अगर जरूरत पड़ेगी तो जरूर बुलाएंगे। जरूरत पड़ेगी मतलब आपने उन्हें पहले लाइनअप कर? नहीं, हमने सबको, हमने 300 MPs को लाइनअप करा। मैं बात आपसे करता हूँ, 300 MPs सबको लाइनअप कर रखे हैं एंड शी इज वन ऑफ देम। अभी उसको मतलब एक बार जो कैंसिल की, जो आपने गोल मार्केट जो अखबारों में छपा है कि आपने उनकी एक मीटिंग कैंसिल की, फिर वो क्यों कैंसिल? देखिए वैसे भी मैं आपको बता दूं, जितने भी MPs हैं उनकी दो दो तीन तीन सभाएं उनको करनी है, और ये नुक्कड़ सभाएं हैं जिसमें आकर के उनको पोलिंग बूथ के लोगों से मिलना है। जहां तक उनका सवाल है, जब एक कंट्रोवर्सी हुई उसके बाद अगर आवश्यकता होगी, उनका टर्न आएगा तो जरूर दोबारा बुला लेंगे उनको। टर्न होगा इसका मतलब टर्न आएगा तब बुलाओगे? 300 MPs में टर्न नहीं भी आ सकता उनका? नहीं, दोनों चीजें ना, क्योंकि सबको अलग अलग जगह समय दिए हुए हैं। किसी दिन 30 सभाएं होती हैं, किस दिन 35 होती हैं, किस दिन 15 होती हैं, किस दिन 20 होती हैं, और ये केवल मंडे टू थर्सडे ही है, फ्राइडे सैटरडे संडे ऑफ होता है। फरवरी में जाके इलेक्शन होना है, 6 फरवरी को, 4 फरवरी तक बंद हो जाए, 11 फरवरी को होगा, जब भी होगा, तो आपको लगता है 30 दिनों में तो उनको शेड्यूल नहीं किया अभी तक आपने? हमने किया ना, जो शेड्यूल किया उसके बाद अगर होगा तो निश्चित रूप से आपको बताएंगे। नहीं, अब तो हो चुका है, मैं आगे फ्यूचर की बात, आगे भी अगर होगा जब उनका टर्न आएगा, जिन जिन MPs का दोबारा टर्न आना है, जिस क्षेत्र में आना है, किस वर्ग विशेष में उनको जाना है, तो निश्चित रूप से आएगा, तो जरूर हम आपको बताएंगे। अमित शाह जब से अध्यक्ष बने उन्होंने पूल बूथ वाइज प्लानिंग कर रखी है एडवांस में। जी जी, तो आपको पता होगा उनके टर्न आना है कि नहीं आना। अमित शाह की शैली को लेकर हर वो मॉनिटर करते हैं, हर जगह हर 5 डेज का, हर वीक का हम एक वो बनाते हैं शेड्यूल, और अगले वीक का जब शेड्यूल बनेगा उसमें कौन कौन लोग आ रहे हैं तो निश्चित रूप से आपको बताएंगे। नहीं मतलब लगता है अभी ज्योति जो है उसका नाम टर्न में अभी तक है नहीं कहीं? नहीं, आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं, आज की डेट में नहीं है। नहीं, आप अगले वीक में आ सकता है, इसमें कोई दिक्कत और नहीं भी आ सकता? नहीं भी आ सकता, दोनों चीजें हो सकती है। अच्छा, मतलब वो आपका जो 20 कैंपेनर आप देते हैं ना, आपके मेन कैंपेनर की लिस्ट देते हैं? मैंने क्या कहा, हमारे खाली 20 कैंपेनर नहीं है, ये हमको समझना चाहिए, बूथ लेवल की मीटिंग में स्टेप बाय स्टेप चल रहा है। एक तो आपको मेन कैंपेनर की लिस्ट देनी पड़ती है जो इलेक्शन के खाते में नहीं आती कभी, उनमें से एक होंगी कि नहीं होंगी? वो नहीं, उनमें से होंगी नहीं होंगी वो तो वक्त बताएगा। अभी तो पहला जो हम बूथ की जो नुक्कड़ सभाएं कर रहे हैं, अभी आज हम उसकी बात कर रहे हैं, और उसके बारे में जितने भी MPs हैं, मिनिस्टर्स हैं, वो सब अपना समय दे रहे हैं कि कौन 2 दिन दे सकता है, कौन 1 दिन दे सकता है, कौन 3 दिन। टॉप कंपेनर में भी नहीं हो सकती है? नहीं, ये तो अभी तय नहीं है, ये तो अभी हम जिन सभाओं की बात कर रहे हैं हम उसकी बात कर रहे हैं। टॉप कंपेनर में कौन कौन होगा ये तो टाइम तय करेगा कि किस किस को देना। नुकसान तो हुआ इससे थोड़ा सा आपका? नहीं, मेरे को तो लगता है नुकसान नहीं, नुकसान सवाल ये है कि, लेकिन मैं मानता हूँ कि शब्दों पर नहीं, मैं ये मानता हूँ, इसको कहने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है कि शब्दों पर, अपनी भाषा पर संयम और नियंत्रण जन नेताओं को जन सभाओं में निश्चित रूप से रखना चाहिए। ये तो उनको पता नहीं था, वो गांव से आती है। मैंने इसलिए कहा ना कि उनकी बैकग्राउंड इस तरह की है।
सवाल ये कि आप चुनाव में जा रहे हैं जी, छह महीने से आपकी केंद्र में सरकार है जी, तो आप क्या कहेंगे हमने क्या किया दिल्ली में? दिल्ली का बजट जो छह महीने के लिए आया, पिछली सरकारों ने जो काम नहीं किए, मैं सबसे पहली समस्या बिजली की लेता हूं। बिजली को जो बहुत बड़ा इशू दिल्ली के लिए है, 200 करोड़ रुपया उसके ट्रांसफार्मर के ऑगमेंटेशन के लिए, उसकी लाइन की ऑगमेंटेशन के लिए, थेफ्ट को रोकने के लिए, उसके उसके उसका सारे के सारी चीजों को ठीक करने के लिए जो पैसा दिया। दूसरा, केंद्र सरकार ने पहले दिल्ली में दिल्ली के प्लान बजट से सब्सिडी उठा करके तीन तीन महीने के लिए, छह छह महीने के लिए और साल के लिए लोगों को रियायत दी गई थी। ये पहली बार ऐसा है कि केंद्र के बजट में इस बार सब्सिडी केंद्र से हमने मांग करके दिल्ली के किसी प्लान बजट से पैसा नहीं लिया। धरती पर क्या हुआ? ये तो आप प्लान हुआ ना, हो गया ना, लोगों को मिल गया ना बिजली जो है। अभी आप चले जाइए छोटी छोटी लोगों को, लोगों बिजली अभी भी जाती है नहीं, लोगों को मिल गया बिजली अभी भी जाती है। आप अगर आज का डाटा उठाएंगे कि वो तो पूरा फ्लो चार्ट है, उस फ्लो चार्ट के अंदर कितने घंटे बिजली गई, कितने घंटे बिजली नहीं गई, कब से लोगों को इसमें सुधार हुआ, ये तो आपको टेक्निकली पता चल जाएगा। आप देख लीजिए, मैंने देखा हुआ है, मैंने मैंने जमुना पार में आप देख, मैंने बिल्कुल गांव के लोगों में केवल केवल आज के दिन में तीन तीन चार चार घंटे अभी भी बिजली जा रही है। आज के दिन में जो बिजली जा रही है हम भी टेक्निकली देखते हैं, वो केवल जहां पर ऑगमेंटेशन रिपेयर वर्क अगर पूरे पूरे दिन के लिए होता है, तीन घंटे के लिए होता है, जहां जहां टर्न बाई आता है वहां जा रहे हैं। पहले तो उपाध्याय साहब आप कह रहे हैं कि सड़क आपकी टूटी पड़ी है सारी? कोई सड़क टूटी मुझे नहीं, कोई सड़क टूटी नहीं पड़ी। मैं आपको बताता हूं, मैं जिस एरिया से मैं रहता हूं, जिस तरीके से पीडब्ल्यूडी और बाकी सब लोग काम कर रहे हैं, दिल्ली में विकास के काम जो रुके पड़े थे वो निश्चित रूप से बहुत तेजी से हो रहे हैं। एक वहां लोगों ने दिखाया, टीवी में दिखाया, क्या सच है क्या नहीं मैं उसको पूछ जाता कि कूड़ा एक जैसे उठा के दूसरी जगह रख दिया और अध्यक्ष जी से झाड़ू लगवा दिया। देखिए, मैं जिस घटना की आप बात कर रहे हैं, आप कभी भी किसी के प्रोग्राम में जाते हैं तो आप एक अविश्वास के साथ नहीं जाते हैं। उन्होंने वहां पर तमाम मुस्लिम बिरादरी के लोग पूरे दिल्ली के आए हुए थे, 300-400 लोग थे, उन्होंने एक सेमिनार किया था और एक सिंबॉलिक उन्होंने 8-10 लोगों को सिंबॉलिक कहीं का कूड़ा उठा के रख दो और आपसे क्या देख नहीं, 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 मैं क्या कह रहा हूं, मैं ऐसा कह रहा हूं कि लोग मिसयूज क्यों कर रहे हैं, सवाल नहीं होती है ना। इसलिए मैंने क्या कहा कि ये जो चीजें हैं, और मेरे अगर वहां का भाषण अगर जिन लोगों ने वहां रिकॉर्ड किया है उसको आप उसकी बाइट निकालिए, मैंने वहां पर क्या कहा है और क्या बोला है। मैंने कहा ये जो प्रोग्राम है वो आगे चलने के साथ साथ सिंबॉलिक नहीं होनी चाहिए, फोटो अपॉर्चुनिटी नहीं होनी चाहिए, इसको हमको मिलकर के सबको आगे बढ़ाना है। और निश्चित रूप से हमारे जो कॉर्पोरेटर प्रधानमंत्री का अच्छा सपना इससे बदनाम होता है ना? नहीं नहीं, हमारे कॉर्पोरेटर घटना होती है ना समाज जीवन में, घटना किसके साथ नहीं होती? सिंबॉलिक वाला कूड़ा एक जगह से उठा के दूसरी जगह कोई कूड़ा नहीं, प्रधानमंत्री ने इतना अच्छा नारा दिया, अच्छा सपना मिशन दिया आप लोगों को, कूड़ा नहीं था। इस्लामिक सेंटर में तो गंदगी होती नहीं, जो उठा के झाड़ू लगाने उन्होंने सिंबॉलिक प्रोग्राम किया और उनको ऑर्गेनाइजर को समझना चाहिए, ये हमारे को नहीं पता। आई वॉज नॉट इन्वॉल्व इन दैट। अब चुनाव के लिए तैयारी कर रहे हैं आप जी, आप इस बार आपको चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट यूजुअल पिछली बार नहीं था, इस बार नहीं था, बाद में लेट डिक्लेयर किया था एक महीने के लिए आप जी, जी इस बार भी लेट डिक्लेयर करेंगे क्या? नहीं, हमको जरूरत ही नहीं चीफ मिनिस्टर डिक्लेयर करने की, तो प्रधानमंत्री चीफ मिनिस्टर की तरह से लड़ेंगे? नहीं नहीं, क्यों करेंगे, जरूरत ही नहीं है, पार्टी का डिसीजन है, वो करेंगे ही ना। देखिए, ये डेमोक्रेटिक पार्टी है, ये हमारा अपना डिसीजन है, ये हमने डिसीजन लिया है कि हम किसी चीफ मिनिस्टर को प्रोजेक्ट नहीं करेंगे। हमारा चीफ मिनिस्टर पिछली बार किया था ना, हमारा पिछली बार क्या किया, इस बार स्ट्रेटेजी हमने चेंज कर दी, नहीं करना चाहते हम ये, तो कोई है नहीं, कोई नहीं हमारे पास। मैंने क्या कहा, इसलिए मैंने कहा अब ये तो सवाल दर सवाल आप कुछ भी पूछ सकते हैं। मैंने कहा आपका जवाब देना, तो मैंने क्या कहा कि हमने कोई भी हमने चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट बिल्कुल डिसाइड नहीं किया। हमने हरियाणा में ऐसे चुनाव लड़ा, हमने महाराष्ट्र में ऐसे चुनाव लड़ा, हम झारखंड में ऐसे चुनाव लड़ रहे हैं। पार्टी दिल्ली में तो आपको चुनाव लड़ा था, दिल्ली में पार्टी की नीतियां, पार्टी के डिसीजन, समय के अनुसार पार्टी की स्ट्रेटेजी निश्चित रूप से हर समय के हिसाब से चेंज और परिवर्तन के हिसाब से, पहले डिजिटल मीडिया नहीं था, अब डिजिटल मीडिया में तो 6 महीने पहले की बात कर रहा हूं, इसलिए मैंने कहा 6 महीने पहले डिक्लेयर नहीं, 7 महीने पहले, इसलिए आपके पास एक कैंडिडेट चीफ मिनिस्टर के लिए था, इसलिए आज आपके पास नहीं है। हमारे पास हमको चीफ मिनिस्टर को प्रोजेक्ट करके चुनाव नहीं लड़ना, ये हमारा कॉन्शियस। किसको प्रोजेक्ट करके चुनाव लड़ोगे आप? हम तो पार्टी को प्रोजेक्ट करके लड़ेंगे, पार्टी की विचारधारा को करेंगे, पार्टी की नीतियों को करेंगे, पार्टी के कमल को करेंगे, जो केंद्र सरकार में काम हो रहे हैं उसको करेंगे, हमें आवश्यकता नहीं है। मतलब आप अपने काम और नाम के साथ चलेंगे और मोदी के नाम से चुनाव जीतेंगे? हम तो मोदी जी के नाम से भी लड़ेंगे, अपने काम से भी लड़ेंगे। सतीश जी, एक बात बिल्कुल, प्रधानमंत्री ने जिस तरह से एजेंडा दिया है, स्वच्छ भारत का, स्वच्छ शासन का, काफी सारा प्रोग्राम उन्होंने दिया पार्टी को पहली बार, कई बार ऐसा लगता नहीं है आपको कि पार्टी जो है प्रधानमंत्री के सपने को पूरा करने में असफल हो रही है? ये पूछूंगा, आपका एक बार फिर से स्वागत है, आज हम बातचीत कर रहे हैं सतीश उपाध्याय से।
प्रधानमंत्री बहुत सारे नारे दिए, बहुत सारे मिशन दिए, सीरियस होकर चले उसको, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि औपचारिक रूप से के फॉर्मेलिटी सिम्बोलिज्म करने के लिए किया जा रहा है, इससे पार्टी की साख तो गिरती है ना। और प्रधानमंत्री के सपने के ऊपर आक्षेप, प्रधानमंत्री को स्टेट आकर मिशन दिया, सीरियस होकर चले उसको, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि औपचारिक रूप से के फॉर्मेलिटी सिम्बोलिज्म करने के लिए किया जा रहा है, इससे पार्टी की साख तो गिरती है ना। और प्रधानमंत्री के सपने के ऊपर आक्षेप, प्रधानमंत्री को स्टेट आकर के पार्लियामेंट के अंदर ज्योति के लिए माफी मांगनी पड़ेगी, रिग्रेट किया, और आप भी कह रहे हैं गलती होगी वहां पर, इस तरह के काम नहीं करने चाहिए, आपने अपने भाषण में भी कहा। तो ये सब उत्साहित होकर के लोग दिखाना चाहते हैं कंपटीशन फोटो आपके लिए, या कहीं प्रधानमंत्री का जो काम दिए गए हैं उससे उनके ऊपर चोट नहीं पड़ेगी, उनके साख के ऊपर? नहीं, निश्चित रूप से लोग काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी का जो सपना है, जो लोगों से उन्होंने कहा है, स्वच्छ भारत का सपना है, स्वस्थ भारत का सपना है, जिस तरह का श्रमेव जयते का कार्यक्रम है, इन सब कामों में लोग लगे हुए हैं निश्चित रूप से, और ईमानदारी से लोग काम कर रहे हैं, और निश्चित रूप से उसमें टेंजिबल चेंज सामने दिखाई देना चाहिए, और उसका चेंज परिवर्तन दिखाई भी दे रहा है। केजरीवाल साहब हमेशा नई बात, जैसे मोदी जी नई बात सोचते हैं, केजरीवाल छोटे लेवल पर छोटे अपनी नई नई बात, फंड रेज करने का, थालियों का, ट्विटर के माध्यम से हर जगह जा रहे हैं, तो आपको ऐसा लगता नहीं कि आप भी बड़े ट्रांसपेरेंट होकर के चंदा इकट्ठा करें? कि आपने उनकी ट्रांसपेरेंसी, केजरीवाल साहब की ट्रांसपेरेंसी तो लोगों के सामने आ रही है, वो उनका कहना कुछ, करना कुछ और दिखाना कुछ, ये डबल केजरीवाल हैं जो आपको सामने दिखाई पड़ते हैं। अभी जो फंड रेजिंग कर रहे हैं, हमने हमारे प्रवक्ताओं ने उनसे पूछा था कि जो फंड रेजिंग में जितने लोगों ने अलग अलग पैसा दिया है उसको आप डाल दीजिएगा वेबसाइट के ऊपर। नंबर दूसरा, जिस तरह से वो कहते हैं कि हम आम आदमी हैं, हम वीआईपी कल्चर नहीं लेते, हम गाड़ियां नहीं लेते, और अभी सोशल मीडिया में उनकी तस्वीरें आई हैं कि वो बिजनेस क्लास के अंदर जाकर के ट्रेवल कर रहे हैं, दे रहा उनको जाने में क्या, इसलिए मैंने कहा ना, इसलिए कहना कुछ, करना कुछ और व्यवहार में कुछ। अब अगर कोई दे रहा है तो बिजनेस क्लास भी करेंगे। काउंटर किया ना मोदी साहब ने, कहा था कि मैं एसयूवी में ट्रेवल करूंगा पर वो बीएमडब्ल्यू में। इसलिए मेरा क्या कहना है ना, मोदी जी से तो खैर केजरीवाल की कोई तुलना करनी ही नहीं चाहिए और ना ही कोई तुलना है, लेकिन सवाल यह है, मैं तो उनके डबल कैरेक्टर की बात कह रहा हूं। जनता को दिखाना कुछ, जनता के मुद्दे उनके लिए कुछ नहीं है, जनता के सवाल कुछ नहीं है, पैसा इकट्ठा करना लगातार दुबई में जाकर के, अमेरिका में जाकर के, एक नई पॉलिटिकल कल्चर को जन्म दे रहे हैं वो, जिस तरीके से ला रहे हैं, जिस तरह से नई पॉलिटिकल कल्चर को जन्म दे रहे हैं, जिस तरह से चंदा इकट्ठा करना, और कौन कौन लोग चंदा दे रहे हैं, किस तरह के लोग, आपको डरा तो दिया केजरीवाल साहब, क्या डराएंगे उनकी पार्टी ने, केजरीवाल साहब खुद डर के भाग गए, वो खुद डर के भाग गए, वो हमें क्या डराएंगे केजरीवाल साहब, हरियाणा से भाग गए, महाराष्ट्र से भाग गए, दिल्ली से भाग गए, देश से भाग गए, देश से पूरे देश में चुनाव लड़ने के लिए कहा था उन्होंने, और चुनाव लड़ा, 416 जगह उनकी जमानत जब्त हो गई, फिर वो राज्यों से भाग गए, उनका कहना है कि आप इतने घबराए हुए हैं, वोड़े अब एमआईएम जैसी पार्टी को इनकरेज कर रहे हैं। अरे साहब, क्या केजरीवाल साहब के बारे में कहना, जिस आदमी ने हमेशा पलटने की आदत हो, जो लगातार किसी भी तरह के झूठ बोलता हो, सत्ता का लालच उनके जीवन में एक ऐसा लालच है जो उनको वही नहीं, लोगों ने उनको सर आंखों पर रखा था, जिस तरह की सवाल जो उनका कहना है कि इतने घबराए हुए हैं कि एमआईएम जैसी पार्टी को भी आप इनकरेज करें ताकि मुस्लिम वोटों को बांट करके आपको कुछ फायदा हो। ये कोई प्रभु जी, एमआईएम और बीजेपी, मतलब कोई 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 तर्क है? आरोप लगा देना, कुछ भी कह देना, कुछ भी बोल देना, नहीं कोई कोई लिमिट है कहने की? एमआईएम से फायदा तो आप ही को होगा, फायदा घाटे को छोड़िए, जिस तरह की ये पार्टी है इनके साथ बीजेपी का क्या मतलब है? और वो कुछ भी आरोप लगा दें, उनकी पॉलिटिक्स ही आरोपों की राजनीति है, ट्वीट्स की राजनीति है, कर दिया और फिर उसके बारे में लोग सवाल पूछें, एक कंट्रोवर्सी क्रिएट कर ली। मीडिया में बने रहने के लिए इस तरह के विवादित मुद्दे उलझाना और उनको उछालना, ये उनकी आदत में शुमार है। अब मोदी जी पे कितने निर्भर है, कितनी मीटिंग करा रहे हैं उनकी? नहीं, मोदी जी की मीटिंग अभी तो तय ही नहीं है, नहीं करवाएंगे ना, तो चुनाव डिक्लेयर ही नहीं हुआ। चुनाव डिक्लेयर होगा तो एक स्ट्रेटेजी बनेगी, जिस स्ट्रेटेजी के तहत इंक्लूडिंग मोदी जी, हमारे जो सेंट्रल मिनिस्टर हैं वो सारे, हमारे जो कैंपेनर हैं वो सभी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो सभी, सबके निश्चित रूप से सभाएं तय होंगी और मोदी जी की भी होंगी उसमें। चलो मैं एक ब्रेक लेता हूं और पूछूंगा, एनिमी नंबर आप है या कांग्रेस है? हमारा एनिमी नंबर, हमारा झगड़ा, हमारा मेरे लिए, जब मेरे से एज ए बीजेपी आप पूछे, मैं बीजेपी, तो मेरा मेरे लिए कांग्रेस भी उतनी महत्वपूर्ण है, बीएसपी भी उतनी महत्वपूर्ण है, आम आदमी भी उतनी महत्वपूर्ण है, और समाजवादी पार्टी भी उतनी महत्वपूर्ण है। अगर कोई एक सीट भी लेके जाता है वो मेरा विपक्ष। पर आप टक्कर किससे है? मेरी टक्कर पूरे विपक्ष से है, मेरी टक्कर किसी एक से नहीं है। पूरे विपक्ष से इकट्ठा होगा तो आप हार जाएंगे। हो जाए ना,
ये भी सामने आ जाएगा एक सेंटेंस में, आपकी कम से कम कितनी सीटें आएंगी और ज्यादा से ज्यादा कितनी आएंगी। मैं तो केवल इतना कह सकता हूँ कि बीजेपी की 100% सरकार बनेगी। हमारा जो मिशन है वो मिशन है जो पार्लियामेंट के चुनाव में जितनी हमें विधानसभा में कितनी हमारी सीटें आई थी 60, उस रिकॉर्ड को हम मेंटेन करने का प्रयास करेंगे। उसको ब्रेक करोगे नहीं? हम उसको मेंटेन करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि पार्लियामेंट, बहुत साफ गोई से बात करता हूँ, पार्लियामेंट के मुद्दे विधानसभा के मुद्दे बिल्कुल अलग होते हैं। तो आप फिर मुख्यमंत्री के दावेदार हो ही जाए? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं पार्टी का अध्यक्ष हूं और अध्यक्ष का काम है पार्टी को शानदार विजय दिलाना और पार्टी को 15 साल का जो बनवास है उसको दूर करना। चलो हमारे स्टूडियो में आए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थी आज की सच्ची बात। अगले हफ्ते आएगी बारी किसी और हस्ती की और उसे हम करेंगे सच्ची बात इसी समय इसी चैनल पर। तब तक के लिए प्रभु चावला का नमस्कार।